आइए ठाकुर साहब आइए। प्रणाम। प्रणाम तिलक सिंह। कहिए क्या लीजिएगा? ठाकुर साहब आज तो हम मुंह मीठा करके ही जाएंगे। सुबह सुबह हमारे घर मुंह मीठा करने वाली बात। तिलोक सिंह खैरियत तो है? ठाकुर साहब बात तो बस चुटकी भर की है, इतनी सी। चिंगारी भी चुटकी भर की होती है, जहर भी और अमृत भी। ठाकुर साहब मगर ये चुटकी भर आपकी मर्जी की बात है और उसके बाद बच्चों की खुशी की बात। बच्चों की खुशी? जी हां ठाकुर साहब, हमारा एक लौता बेटा है, उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। तो उसकी पसंद की लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते? इसीलिए तो आपके पास आया हूं ठाकुर साहब। तिलोक सिंह जो भी कहना है जरा सोच समझ के कहना। सोच कर तो घर से आया हूं ठाकुर साहब, बस थोड़ा सा समझ कर बोलना है। अब देखिए ना, आप भी ठाकुर हम भी ठाकुर, आपकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो हमारी रगों में दौड़ रहा है। आप भी सूर्यवंशी और हम भी सूर्यवंशी। बात को रबर की तरह खींचो मत, क्योंकि हम में बर्दाश्त की हद कम है। ठाकुर साहब जिस तरह आपकी छोटी बहन आपके लिए सब कुछ है, उसी तरह हमारा बेटा भी हमारे लिए सब कुछ है। तो हमें चाहिए त्रिलोक सिंह, कहीं भी जाने से पहले आदमी अपने आप को एक बार आईने में जरूर देख लेता है, अपनी मान अपनी मर्यादा की चादर में झांक लेता है। छोड़िए ठाकुर साहब, चादर चाहे कैसी भी हो, पड़े पड़े उसमें सुराख हो ही जाते हैं। और हम उस सुराख वाली चादर को अपने शरीर से कभी नहीं लपेटेंगे। कान खोलकर सुन लो, हमारी बहन जिसको हमने बेटी की तरह पाला है, तुम्हारे खानदान की बहू नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती। ठाकुर साहब आप हमारा अपमान कर रहे हैं। अपमान तो तुमने हमारी बहन का हाथ मांगकर हमारे इस राजमहल का किया है। तुम्हारे खानदान के चर्चे जो सारे शहर में मशहूर हैं, तुमने कैसे सोच लिया कि हम अपनी बहन का हाथ तुम्हारे बेटे के हाथ देंगे? ठाकुर बड़ी बड़ी बातें करना तो सभी को आता है, मगर सिर्फ बड़ी बात करने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता। अपनी औकात को समझो त्रिलोक सिंह, हमें हमारी हैसियत मत समझाओ। हैसियत तो अब मुझे तुम्हें समझानी पड़ेगी ठाकुर जगत प्रताप सिंह, ताकि तुम्हारी आंखों पर बंधी गलत फहमी की यह पट्टी खुल सके। और यह भी मत भूलो ठाकुर कि इस शहर में तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी मान मर्यादा, तुम्हारी शान शौकत, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी ठाट बाट, इन सब का एक ही झटके में चकनाचूर कर सकते हैं, तुम्हें नेस्त नाबूद कर सकते हैं। और जिस राजमहल की छत के नीचे तुम सांसें ले रहे हो, जहां पर तुम जगत प्रताप सिंह बनकर बैठे हो, ये सब हमारी तिजोरी में कैद है। भूल गए ठाकुर कि तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी ने तुम्हारी सारी जायदाद हमारे पास गिरवी रखी थी? गिरवी रखी नहीं थी, तुमने उन्हें शराब पिलाकर, बुरे रास्तों पर चलाकर तुमने सारी जायदाद अपने नाम पे लिखवा ली। तुमने वही किया जो तुम्हारे खून में है। लेकिन एक बात याद रहे ठाकुर, शेर चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो, फिर भी जंगल का राजा होता है। अगर तुम मुझे धमकी देने आए हो, तुम्हें धमकी नहीं दे रहे हैं ठाकुर, तुम्हें वक्त के साथ समझौता करने की सलाह दे रहे हैं। और एक बात याद रखना, अपनी बहन की शादी हमारे बेटे के साथ कर दो और अपनी इज्जत नीलाम होने से बचा लो। बात की बात रह जाएगी और तुम्हारे सूर्यवंशी खानदान की शान और शौकत भी, समझे? ठाकुर तिलोक सिंह, अगर तुम इस उम्मीद के साथ ठाकुर जगत प्रताप सिंह के घर से जा रहे हो कि तुमने हमारे दिमाग में किसी घबराहट के जलजले को जन्म दे दिया है, तो तुम्हें इसका अफसोस जिंदगी भर रहेगा। हमारे खानदान में जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद जब बोलने लगता है,
उसे सबसे पहली चीज यही सिखाई जाती है कि इस दुनिया में भगवान के सिवा किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाना, समझे।